तो फाइनली गाइज मेरी जर्नी टू कनाडा स्टार्ट हो गई है एंड फिलहाल मैं हूँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आई हैव चूज द अल्बेनिया राउट और मेरी जो फर्स्ट फ्लाइट थी वो थी फ्रॉम दिल्ली टू दुबई और वो दुबई से जाएगी कल टू टिराना एयरपोर्ट। और मैंने फ्लाई की है फ्लाइट दुबई से और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने चेक इन प्रोसेस की इन दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली की इमिग्रेशन में मुझे कौन सी डॉक्यूमेंट्स पूछी थी। सो मेरी जो दिल्ली से फ़्लाइट थी वो थी रात के 10 बजे और मैंने चेक इन कर लिया था एट अराउंड 5:30 PM। और फ्लाइट दुबई में जब मैंने चेक इन करने गया था देन दे आस्क मी फॉर माई COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट, उसके बाद माई टिकट एंड माई पासपोर्ट। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स ओके करके एक स्टैम्प मार दिया और उसके बाद मुझे चेक इन काउंटर में भेज दिया था। और वहाँ पे मुझे पूछा कि माई पर्पस ऑफ विजिट, सो मैंने बताया कि आई विल बी गोइंग टू कनाडा बाय अल्बेनिया। सो देन दे आस्क मी फॉर माई ऑनवर्ड जर्नी टिकट जो कि थी फ्रॉम अल्बेनिया टू कनाडा। और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी होटल रिजर्वेशन भी पूछी थी अल्बेनिया की। उसके बाद वो दिखाने के बाद आई गॉट माई टू बोर्डिंग पासेस, एक बोर्डिंग पास थी फ्रॉम दिल्ली टू दुबई और नेक्स्ट बोर्डिंग पास जो कि थी फ्रॉम दुबई टू तिराना वो भी मुझे दिल्ली में ही मिल गई थी। और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पूछा ट्रांजिट के बारे में भी कुछ नहीं पूछा बिकॉज माई ट्रांजिट टाइम इज़ 9 hours 15 minutes एट दुबई और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और उसके बाद आई वेंट टू द इमिग्रेशन काउंटर और वो जहाँ पे फ्लाइट दुबई के चेक इन हो रही थी वहाँ से आई जस्ट टुक ए राइट और वहीं पे इमिग्रेशन काउंटर था। और उसके बाद इमिग्रेशन काउंटर में भी बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था, दे ओनली चेक माई बोर्डिंग पास एंड माई पासपोर्ट। उन्होंने मुझे पूछा माई पर्पस ऑफ विजिट और मैंने क्लियरली सही सही बता दिया था दैट आई बी ट्रैवलिंग टू कनाडा व अल्बेनिया। उसके बाद उन्होंने मेरी बोर्डिंग पास में स्टैम्प मार दिया और मेरे पासपोर्ट में भी स्टैम्प कर दिया डिपार्चर का। और उसके बाद आई वॉज एबल टू एंटर द ड्यूटी फ्री जोन और उसके बाद 9 o'clock को मैंने बोर्ड कर ली मेरी फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू दुबई। एंड गाइस फाइनली आई मीन दुबई और दुबई में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो मेरी जो लेओवर है एट दुबई वो है फॉर 9 hours और बहुत सारे रूमर्स हैं दैट इफ़ यू आर फ्लाइंग विथ फ्लाई दुबई और आपकी ट्रांजिट टाइम 6 hours से ज़्यादा है आप ट्रांजिट नहीं कर सकते, इट्स टोटली रॉन्ग। मुझे बोर्डिंग पास मिल गई है टू तिराना और दुबई में भी सिक्योरिटी चेक आराम से हो गया था और अभी मुझे दुबई में वेट करना पड़ेगा फॉर 3-4 hours उसके बाद मेरी फ्लाइट है फ्रॉम दुबई टू तिराना। और उसके बाद तिराना एयरपोर्ट में इमिग्रेशन की प्रोसेस कैसी होने वाली है उसके बारे में मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा इन फुल डिटेल्स। और अभी के लिए सिर्फ यही था कि इफ़ यू आर फ्लाइंग विथ फ्लाई दुबई देन कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेओवर टाइमिंग में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास सिर्फ होना चाहिए आपकी COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट, आपकी टिकट और आपकी ऑनवर्ड जर्नी की टिकट और आपकी होटल रिजर्वेशन ऑफ तिराना एयरपोर्ट, दैट्स इट। और दिल्ली इमिग्रेशन भी बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही आराम से सब कुछ हो गया था। लेट्स सी अभी तिराना एयरपोर्ट की इमिग्रेशन कैसी होती है। और मैंने जितने भी सोर्सेज से सुना है तिराना इमिग्रेशन इज़ वेरी स्मूथ एज वेल। और तिराना एयरपोर्ट की इमिग्रेशन प्रोसेस कैसी होती है और वहाँ पे COVID-19 रिपोर्ट कैसे मिलती है, कहाँ पे टेस्ट करना पड़ता है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करूँगा इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।